में साक्षात मंगल उतर आए। गाथा का संदेश हमारे लिए जिनमें थोड़ी समझ है, इतनी समझ मैं कौन हूँ और इस जगत कौन, केवल इतनी समझ जिनके भीतर है, उनके लिए समयसार महामंगल स्वरूप आचार्य कुंभकुंड महामंगल स्वरूप और उनकी ये रचना भी महामंगल स्वरूप है, क्योंकि जो सर्वोत्तम मंगल है सिद्ध पद, उसके साथ ये हमारा संपर्क कराने वाली साक्षात सिद्धत्व में विलीन करने वाली गाथा है। इससे अधिक गाथा का मंगल का संदेश नहीं है। बस आवश्यकता केवल इतनी है कि इस गाथा का जो वाच्य है, गाथा कहना चाहती है, के साथ हमारा चित्र एकाकार हो, भगवान सिद्ध के साथ, उन भगवान सिद्ध के साथ और उनके सहारे, उनके माध्यम से हमारे भीतर विद्यमान भगवान सिद्ध के साथ हमारा चित्र एकाकार हो जाए। गाथा की ये मंगल भावना, इसलिए जो मंगल स्वरूप है, मंगला चरम किसको कहते, मंगल में जो लाता उसका नाम मंगल, जो पापम को गलाता है, माम पापम गालयति मंगलम, जो पापों को गलाता है लाता है उसका नाम मंगल है। हमारा सबका मानस है सुख तो आ भी गया, जाते ही जाते, लेकिन जगत में इस विश्व में कोई ऐसा भी सुख है कि एक बार आ जाने के बाद फिर कभी उसका अंत नहीं होता, वह किसी के सहारे नहीं होता, वह सदा एक सा रहता है, उससे हम कभी अतृप्त नहीं होते, उससे हम कभी अतितृप्त नहीं होते कि उसको छोड़ दिया जाए, छोड़ने का मन हो जाए। ऐसा एक विलक्षण आनंद भी इस विश्व में है और वह मेरे भीतर है, एक भगवान सिद्ध के भीतर है वो, और उस सुख का परिचय करने के लिए ही ये भगवान पहली गाथा के माध्यम से मैं आपके निकट आया। क्षेत्र भी ऐसा ही बिखर रहे हैं या सिर्फ चप्पे चप्पे पर, चप्पा चप्पा, या हम कल्पना तो करें, यहाँ आकर भगवान सिद्ध ने उस अव्ययवाद सुख की चरम साधना पूरी की। भूमि पर आकर, ऐसी पावन भूमि, ऐसी पावन भूमि मन हमारे लिए भी ये भूमि इसीलिए वंदनीय है, वंदनीय है और अनुशीलन के योग्य है। इस भूमि का कोई चप्पा हमारे लिए भी चरम साधना का निमित्त बन जाए, ऐसी पावन भूमि, सिद्धों से बातें करना चाहिए,
पागल हो गया, हो गया, दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग की ये खराबी सिद्धों तक ले जाती है और सिद्ध बना देती है। ये खराबी ऐसी होती है, एक बार खराब तो करो दिमाग, दुनिया तो निश्चित रूप में पागल ही कहेगी, क्योंकि सारे जो ऐसी बातें करने वाले जिनको हम ज्ञानी कहते हैं वे दुनिया को पागल ही दिखाई देते। लेकिन इतना ही नहीं है, अनेकांत है इसमें। और उन पुरुषों को कि जो इन सिद्धों की चर्चा करते हैं, अपने सिद्ध परमात्मा की जो चर्चा करते हैं, उनको ये सारा विश्व पागल दिखाई देता है। पर हम किसको माने पागल? पागल तो वो है जो बहकी बहकी बातें करता है। हम तो सही और सही वस्तु स्थिति की बात करते हैं, वस्तु व्यवस्था की बात करते हैं। हम जो बात करते हैं उसे दुनिया में देख लो, वो बीत रही है या नहीं, वो हो रही है या नहीं, फिर हम पागल कैसे? तुम जो धरती और आसमान के बिना जो बात करते हो तुम हो पागल। तुम्हारी एक ही बात ही जगत में मिलती नहीं है, बकवास बहुत करते हो। एक ही बात अज्ञानी क्यों इतना तमाचा दिया है, ज्ञानियों ने इतना तिरस्कार उसका किया है कि तू बकता तो इतना है, पर एक तो बता कभी कुछ हुआ हो तो। तू जो कहता है वैसा एक पदार्थ जगत में हो तो हम तेरे शिष्य बन जाएंगे। कुंद कुंद कहते हैं हम तेरे शिष्य बन जाएंगे, हम भगवान महावीर को छोड़ देंगे, पर तू एक तो बता कि कभी तूने जो कहा है वो घटना इस जगत में कभी अनादि में अथवा अनंत काल में कभी घट जाएगी? तू जैसा सोचता है वैसा इस जगत में कोई पदार्थ ही नहीं है, है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी के ज्ञान का जगत में कोई विषय नहीं, क्योंकि वो जो सोचता है वैसा जगत है ही नहीं। और ज्ञानी तो जो कुछ सोचता है वह सब कुछ इस विश्व की व्यवस्था है। इसलिए जब वो ये जान लेता है विश्व व्यवस्था में कि सारे ही पदार्थ जब बिल्कुल अपने अपने घर में अत्यंत संतुष्ट हैं, अरे देखो तो मैं तो चेतन हूं, ज्ञान वाला समझ वाला, लेकिन अचेतन को तो देखो कि इनको कभी असंतोष होता ही नहीं। अपने घर में रहने से इनका कभी घर से बाहर निकलने का मन होता ही नहीं, ये मेरे से कभी बात करना ही नहीं चाहते, और मैं जबरदस्ती इनके गले पड़ता हूं, मेरी समझ ने भांग पी ली है। भंग पीकर बावला है चेतन, लेकिन ये गाथा सारा मस्तिष्क ठीक कर दी थी। तो भूल जाओ उन बातों, वे बातें पुरानी हो गई, पुरानी बातों के गीत, पुरानी बातों के रोने उस समय रोने लायक नहीं होते कि जब हमारी दरिद्रता का अंत होकर हम संपन्न हो जाते। संपन्नता में ऐसी बातें करते हैं, पहले तो साहब हम भीख मांग कर खाते, पहले तो ऐसा था। तो वर्तमान में तेरी संपन्नता का भोग करने लायक, भूल जाओ उन बातों को बिल्कुल। कुंद कुंद पहली ही गाथा में उन पुरानी बातों की चर्चा ही नहीं करते। देखिए तो इसका उत्थान समय सार का कहां से उठाते हैं कुंद कुंद। उनकी वाणी ही यह है कि तू साक्षात सिद्ध परमात्मा है, क्या करता है तू बात, कौन सी बात करता है, कौन से राग द्वेष की चर्चा करता है, कहां है आत्मा में राग द्वेष? दिखते हैं जो तेरे घर में ही नहीं है, जो तेरे घर में कभी आते ही नहीं है, जिन
जिनका प्रवेश ही नहीं है उनकी चर्चा करता है। वो तो तेरे घर के बाहर की गटरें हैं, तू अपने किवाड़ बंद कर, बंद रख और बंद ही, उनमें किसी का प्रवेश, ये भी बहम हो गया, प्रवेश हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं है। चैतन्य सत्ता में पर्याय वो तो बहम करने वाली है, संदेह करने वाली, कहीं ऐसा ना हो जाए। बहुत ऐसे हुए हैं, बहुत ऐसी घटनाएं हुई, कहीं आगे भी ऐसा ना हो जाए। वो तेरे को यही यही पागलपन लगा है, पर तू जिसके संबंध में, जिस अपनी सत्ता के संबंध में ये बात करता है, एक बार उसको देख तो ले कि उसमें आग लगी है या नहीं, उसमें कोई आया है या नहीं, उसमें से तेरी चोरी हुई है या नहीं, किसी का प्रवेश हुआ है या नहीं। त्रिकाल झूठ है, ये बात बिल्कुल झूठ है। चैतन्य के वज्र किले में, उस आनंदमय किले में किसी का प्रवेश आज तक नहीं हुआ। एक ही श्रद्धा और यह ज्ञान का केवल इतना सा कण कि जो आगे जाकर निश्चित रूप में केवल ज्ञान बनने वाला है, केवल ज्ञान ही है, हमें कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, छोटा सा है भले, थोड़ा सा, लेकिन जो ये कहता है, किसकी बात करते हो तुम, मेरे को रागी द्वेषी मोही कसाई मैं, भविष्य में बोलना मत, मैं साक्षात सिद्ध परमात्मा ही हूं, द्रव्य से नहीं पर्याय से भी, इतना गौरव मेरी पर्याय में। जिसको जरा जरा सी दूरी बाकी है वो तो यूं ही कहता है, चलो आगे 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 पहुंच गए अपन, एक फल्लांग बाकी हो तो क्या कहते हैं, अरे अब क्या है कहते हैं, अब तो आ गया है। तो हम बनने वाले हैं, हम इस बात को भी नहीं करते, हम साध्य को प्राप्त करेंगे कि हाँ ठीक है बुआ, थोड़ी देर चुप रखो, अरे आ गया कहते हैं, सिद्धत्व आ गया है मेरी पर्याय में, मैं स्वयं साक्षात उसका अनुभव करता हूं। ऐसा ऊंचा संदेश इस गाथा का है। भगवान से कैसी वार्ता की जाती है, करना चाहिए ना, या उसको दिमाग खराब मानना चाहिए, भगवान की बातें करते हैं, तुम ऐसी कल्पनाएं करते हो, सिद्धों ने कभी किसी से बातें की हैं, अरे फिर बातें वो पात्र से करते हैं, अपात्रों से क्या बात करेंगे, जिनको विश्वास ही नहीं है तो क्या बात करेंगे, तो कुछ करो तो बातें, यहाँ नीचे से ही करो, ऊपर जाकर करो, भगवान आप करते क्या हो बैठे बैठे, कितने समय से बैठे हो यहाँ और आपके पास कुछ दिखता नहीं हमको, तो हमारे पास जितनी सामग्री है उसका नाम निशान यहाँ दिखाई नहीं देता, अरे और तो और वो शरीर भी नहीं है, अब बोलो क्या करते होगे, क्या आनंद आता होगा आप, और हमारे जो बंगले हैं उनमें तो सब कुछ है, सारा है, देखो एक बार आप देखो तो सही उनको आकर, हमारे बंगलों को, हम क्या करेंगे तुम्हारे बंगलों, हमारे पास ऐसा बंगला है कि जिसमें सब कुछ है, सर्वत्र है। तो हम पूछते हैं आपके यहाँ डाइनिंग रूम है क्या, है ना, हमारे यहाँ डाइनिंग रूम है और उसमें बड़ा ताजा भोजन बनता है, लेकिन भोजन ऐसा कि जो कभी तुमने चखा नहीं, ऐसा विलक्षण, ऐसा डाइनिंग रूम है हमारे यहाँ, और बेडरूम है, सोने का कमरा है, अरे ऐसा कमरा है, ऐसा बेडरूम है कि तुम उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते, ऐसी शयन शैया है हमारी सुखद, और क्या चाहते हो, कि स्विमिंग पूल है, रोजाना तैरते हैं हम तो, ऐसा स्विमिंग पूल है कि जिसमें एक बार जाने के बाद फिर निकलने का मन नहीं होता, तुम्हारा तो सूख जाता है,
कितनी दिक्कतें होती है, रुक जाता है, कितना प्राणायाम इसके लिए तुम्हें करना पड़ता है। हमारे पास तो अनादि अनंत भरा है, एक जादू के पिटारे की तरह है। और क्या खाते हो आप? भूखे रहते हो? अरे हमारे पास ये पिटारा है जादू का, वो ऐसा है कि वो कभी खाली होता ही नहीं। तुम कितना ही करो, कितना ही भोजन करो, लेकिन वो कभी खाली नहीं होता। और भोजन इतना स्वादिष्ट कि तुमको कभी सपना भी उसका नहीं हो सकता, इतना स्वादिष्ट भोजन हम करते। ऐसा सुनकर भी कि हमारे मुंह में पानी ना आवे, भगवान सिद्धों की सुख के लिए जिसके मुंह में एक बार भी पानी आया वो निश्चित सिद्ध बनकर रहेगा। तब तो मैं आऊंगा, फिर मैं जरूर आऊंगा आपके पास। तो मेरा मन नहीं करता था कि आपके पास कुछ है नहीं क्या, और कोई साथी वाथी है कि नहीं आपका? साथियों से तो हम परेशान ही थे, हम साथी को क्या करेंगे, हमें साथी की कहां आवश्यकता है। अरे हम तो स्वयं अपने अवलंबन पर खड़े हैं, हमारा सब कुछ हमारे पास है, तो हमें किसी साथ की क्या आवश्यकता है। और ये इतने अनंत हैं, वे कौन हैं कि ये हमारे साथी नहीं हैं? ये सब अलग हैं, अपने अपने बंगले में रहते हैं। ये सिद्धों की बस्ती है, इसमें कोई भेद नहीं है, यहाँ सच्चा साम्यवाद है वास्तविक, जिसमें किसी को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है। क्यों फुर्सत नहीं है? क्योंकि आनंद के भोग से अवकाश नहीं, आनंद का पिटारा अक्षय है। ऐसे अक्षय पिटारे को हम निरंतर भोग करते हैं। ये बातें करने की हैं भगवान से, हम तो और न मालूम क्या क्या करते हैं। भगवान दे दो, ऐसा करो, आपके पास क्या नहीं है, थोड़ा सा दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे पर तेरा क्या काम आएगा, तू तेरा टिफिन क्यों नहीं खोलता है? तेरी नियत कितनी गंदी, हम जरूर दे देते लेकिन तेरी नियत गंदी है, तू तेरा टिफिन तो खोल, उसमें जो भरा है वो क्या काम आने वाला है, उसको क्यों सड़ा रहा है तू? तो हम तेरी गंदी नियत की वजह से तेरे को सहयोग नहीं कर सकते। सहयोग करने का विधान भी इस लोक में नहीं है, तू परमात्मा है और हम तुझे सहयोग करें इसका अर्थ यह है कि तू दीन है, तू हमारा अपराध हो जाए। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, अपराध नहीं हो जाएगा कि तू स्वयं तेरे पास है और तेरे पास इतना पौरुष भी है, इतनी शक्ति भी तेरे पास है कि तू उसको प्राप्त करके सदा सदा हर पल अनंत काल तक उसका भोग और उसका उपभोग करे, ऐसी तेरी ताकत है। बस केवल हम तो इतना कह सकते हैं कि तेरे को अपनी उस ताकत का बोध, उसका विश्वास हो जाए, इतना ही करना है जीवन में। जीवन में करने लायक अगर कोई बात है, जितना भी कुछ हम करते हैं और भी दया दान पूजा, ये भगवान अनंत और सिद्ध की वंदनाएं, ये सब कुछ जितना करते हैं उसका एकमात्र हेतु यह है कि भगवान सिद्ध के निधान जो हमारे पास भी हैं पूरे के पूरे, केवल उनका एक बार हमको परिचय हो जाए और हमारा मन केवल उधर आकर्षित हो जाए, ये जगत हमको बिल्कुल ज्वाला लगने लगे, जगत मिट्टी लगे, ऐसा मनोविज्ञान और मन की यह परिणति एक बार जाग जाए, ये गाथा उसी की घोषणा करे। ऐसी मंगल में गाथा है, बहुत बढ़िया, उत्थान उठाव ही ऐसा है गाथा का, विकार की आचार्य चर्चा नहीं करते। हम तो सोचते होंगे इस बात को, जरूर हमारे मन में आता है, क्या ये सिद्धों की बात करते हैं भगवान, और मेरे को सिद्ध बताते हैं, पर मेरे में तो ये कूड़ा और कचरा जो भरा है उसका क्या होगा।
लेकिन यही बात आज तक नहीं समझ में आई कि ये जितना कुछ कलमश और कूड़ा करकट दिखाई देता है ये तेरे भीतर है ही नहीं, ये तेरे से बाहर है, बिल्कुल बाहर है, और इसकी गंध वो तेरे को छू नहीं पाती है। आज तक उसने छुआ नहीं। तो कल्पना में चाहे कैसी गंध का अनुभव कर, वो एक अलग बात है, वो तेरी कल्पना का अपना निर्माण है, अपनी रचना है। जैसे कोई चर्मकार है ना, अब उस चर्मकार को किसी भी तरह दैव योग से राजा बना दिया गया, कोई नहीं मिला तो ये तय हुआ कि नगर के दरवाजे पर जो कोई मिल जाए उसी को राजा बना दिया जाए। वो था चर्मकार, भिखारी था, फूटे डब्बे वाला, और उसको आकर कहते चलो तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। मेरा राज्याभिषेक, मैं चमार और मेरे पास खाने को नहीं, मेरा राज्याभिषेक तुम्हारा ही होना है, चलो। वो गया, राज्याभिषेक हुआ, निलाया और सब राजा के वस्त्र उसको पहनाए गए, सब कुछ हुआ, भोजन में सारे पकवान उसको परोसे गए, रोटी पर उसने हाथ लगाया तो रोटी थोड़ी ठंडी हो गई थी। वो कहता है रोटी है ना जो चमड़े जैसी है, अरे पर मूर्ख तूने ऐसी रोटी कभी खाई नहीं, इसकी गंध ही अलग प्रकार की है, पर तेरे दिमाग में अब तक चमड़े की गंध भरी है तो तुझे वही गंध आती है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। अज्ञानी ने अपनी कल्पनाओं में कैसी दुर्गंध इकट्ठी कर रखी है कि उसको श्वास प्रश्वास में वही आती है, दूसरी आती नहीं। एक बार कहते हैं सिद्ध परमात्मा अनुरोध करके आग्रह करके हमें कहते हैं उस सुगंध को एक बार उसका श्वास और प्रश्वास भर लो, इसके बाद तुम्हें दुर्गंध, जगत की दुर्गंध छुएगी नहीं, स्पर्श नहीं करेगी। इस सिद्ध परमात्मा की स्थिति यदि एक बार भी हमें अपने ज्ञान में पसंद आ जाए, उनका स्वरूप जानकर, सिद्ध परमात्मा बनने में उस जीव को बिल्कुल विलंब नहीं, उसी को भव्य कहते। भव्य माने जो होने लायक, भव्यता सौंदर्य को भी कहते, लेकिन भव्यता माने जिसको सिद्धत्व होने ही लायक, निकट भविष्य में जो सिद्ध बन जाएगा। तो चित्त में सुनते समय ही यदि कलेजा नहीं उछलता है, सुनते समय ही यदि प्रसन्न भाव नहीं होता है, ये बातें सुनते समय अगर ठीक इसी प्रकार की चर्चा जगत के निदानों की जाए तो हमारी पलक जरा नहीं झपकेगी, और हम कितनी एकाग्रता से उसको सुनेंगे। ऐसा बार बार कहना पड़ेगा सुन रहे हो कि नहीं, कहना पड़ेगा। केवल एक बार कह दी जाए कि आज हम तुमको एक अपूर्व बात सुनाते हैं, और वो ये कि ये जो तुम कष्ट पा रहे हो दरिद्रता में, इसका आज ही अंत हो जाएगा, तुम सुनो बात। बीच बीच में सर जरा और कहना, मैं सुन नहीं पाया था, तो कहाँ चले गए थे। लेकिन ऐसा हुआ है आज तक? होता नहीं होता। जिस विषय में हमारी रुचि और प्रीति होती है उसमें प्रमाद कभी नहीं होता है, वो सारी प्रमादी दशा, विषय की दशा। लेकिन उसमें जो स्पष्ट रूप में होने वाला लौकिक प्रमाद है वो नहीं होता है। और ये लोकोत्तर आनंद की कथा, ऐसे आनंद की कथा जिसमें ये गारंटी दी जाती है
ये कभी बदलेगा नहीं, ये कभी कम नहीं होगा, इसको कभी कोई छीन नहीं सकेगा, इसमें इससे कभी तुम अघाओगे नहीं। जगत के विषय तो ऐसे होते हैं कि या तो खाने वाला वो बंद हो जाता है या वो भूख समाप्त हो जाती है, दोनों में से एक बात तो होती है। जो खाने वाला है वही कहने लगता है अब नहीं चाहिए। सिद्धों के सुख में ये क्षण कभी आने वाले नहीं है कि अब नहीं चाहिए, तो ऐसा विलक्षण है आने। और यहाँ तो 10-20 चीजें डालते होंगे, हलवा बनाते होंगे और कुछ बनाते होंगे, तो 10-20 चीजों से ही उस मिश्रण में कुछ एक ऐसी महक और ऐसा स्वाद पैदा होता है कि हम उसमें गर्व हो जाते हैं। और हम ये नहीं सुनते कि हमारे पास जो अनंत शक्ति माने वो सामग्री ही तो है, वो पकवान बनाने की सामग्री ही तो है, शक्ति और क्या है। जैसे हम गुण कहते हैं, शक्ति कहते हैं, शक्ति संपत्ति कहते हैं, वो पकवान ही बनाने की सामग्री है। तो अनंत सामग्री का होगा तो फिर इसको कौन जाने, कि सो जाने जो पावे, वही जानता है कि जो एक बार उसे पा लेता। इतना भी महत्व नहीं आता कि दुनिया में मिलेंगी तो 10-20 चीजें मिलेंगी, और कितनी पटकोगे, रिसेप्शन में बनाओगे तो 31 चीजें बनाओगे, शादी के रिसेप्शन में उसमें ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ऐसे दिमाग खराब हुए ना आजकल, बिगड़े दिमाग है ना, तो क्या करेंगे, ज्वार की रोटी बाजरे की रोटी वो खा नहीं पावे आने वाले, क्या क्या खाएंगे वो, कोई राक्षस हैं क्या, बराती हैं कि राक्षस हैं क्या, वहां तो सब बनाएंगे तरह तरह का, क्या नाम लू, मैंने तो खाया भी नहीं, कितने नाम होते हैं पता है। तुम्हारे तो इतने बनाएंगे तो भी भूखे के भूखे, या एक बार चख तो लो, इतना कहते हैं आचार्य, एक बार, वो भी ऐसा कि जो तुम्हारे भीतर वर्तमान में उसका पिटारा भरा, वर्तमान में भरा, संदेह मत करना, क्योंकि देख चुके हो कि जिनके साथ तुमने प्रीति की है, जिनको अपना समर्पण दिया है, उन सबने तुम्हारे साथ धोखा किया। एक बार मिल गया तो सदा के लिए, फिर आसमान की तरफ झांकते रहे उसके लिए, लेकिन वो आया नहीं, मिला नहीं, क्या करेंगे ऐसे सुख, लानत है ऐसे सुख। एक बार भीतर से चित्त में ही आवे, लेकिन उसके समानांतर दूसरा सुख विद्यमान होना चाहिए, तब ना हमारा आकर्षण उसकी ओर होगा कि चलो हम इसको छोड़ तो देते हैं, लेकिन दूसरा तो बताओ, वरना कैसे कैसे छोड़ सकते, बताओ ना दूसरा, इससे अच्छा बताओ, इतना अच्छा है कि जगत में उससे अच्छा कोई दूसरा नहीं, इतना सुंदर है वो सुख, उस सुख का एक बार विश्वास जागे, ऐसा है। इतना करने की जरूरत है, सुख इकट्ठा नहीं करना, वो बनाना नहीं है, थोड़ी भी रचना नहीं करना है, कुछ रखना नहीं है, कुछ निकालना नहीं, बिल्कुल भरा भराया फुल पिटारा है अक्षय, कि जिसमें हम चाहे कितना ही उसमें से खाएं, कितनी ही जीवन करें निरंतर अनंत काल तक, लेकिन जिसका एक अविभाग प्रतिच्छेद भी कम होने वाला नहीं, बढ़िया मनोविज्ञान और क्या होगा। हमारे मन की जो स्थिति है वो यही तो चाहती है कि आरोग्य हो तो कैसा हो, कि बीमारी सदा के लिए मिट जाए और हम उस आरोग्य का जीवन भर उपभोग करते रहे, व्याधि दोबारा ना आए, उससे संतुष्ट है क्या हम, कि डॉक्टर ये कह दे कि कैसी है आज तबीयत, आज तो नहीं है बुखार, बस तो ठीक है फिर और क्या है, लेकिन डॉक्टर साहब तबीयत अभी ठीक हुई नहीं है, बुखार भीतर है, क्या बहकी बहकी बातें करता है भीतर और बाहर, और आज तो नहीं है,
आज नहीं है पर मैं जानता हूँ कल आने वाला है, अरे कल से कल देखा जाएगा, तो मुझे ऐसे डॉक्टर से इलाज नहीं कराना जो ऐसी बात है। मुझे तो वो डॉक्टर चाहिए जो ये कह दे बस तेरी मुक्ति हो गई जड़ से, अब नहीं आएगा। ये भगवान व्याधि दोबारा ना आए उससे संतुष्ट है क्या हम कि डॉक्टर ये कह दे कि कैसी है आज तबीयत, आज तो नहीं है बुखार बस तो ठीक है फिर और क्या, लेकिन डॉक्टर साहब तबीयत अभी ठीक हुई नहीं है, बुखार भीतर है, क्या बहकी बहकी बातें करता भीतर और बाहर और आज तो नहीं है, आज नहीं है पर मैं जानता हूँ कल आने वाला है, अरे कल से कल देखा जाएगा, तो मुझे ऐसे डॉक्टर से इलाज नहीं कराना जो ऐसी बात है। मुझे तो वो डॉक्टर चाहिए जो ये कह दे बस तेरी मुक्ति होगी जोर से, अब नहीं आएगा। ये भगवान अनंत और सिद्ध परमात्मा हमारे वही डॉक्टर है। हम कहते हैं तुमको गारंटी से कि अब तुमको बुखार नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अनंत काल तक। और क्या चाहते हो, चाहते तो यही थे भगवान, तो फिर विश्वास एक बार कर लो, ज्ञान में उसके स्वरूप को अवतरित कर लो, ज्ञान में जान लो सचमुच वो आनंद ऐसा ही है और मैं संकल्प करता हूं कि मुझे उसे पाना पाकर ही रहूंगा। कुछ मधुरता तो लगनी चाहिए, वार्ता में मधुरता लगे तो वार्ता का जो वाच्य है वो मधुर लगे, अरे बातचीत में ही मधुरता ना लगे। और ये कहें कि बस एक ही बात, उस एक ही आत्मा की चर्चा और नहीं है ना तुम्हारे पास कुछ, दूसरी बात। पर प्रश्न यह है कि यदि एक से ही तुम्हारा सारा समाधान होने वाला हो, सब अनंत प्रश्नों का अगर एक समाधान है करने वाला है, तो फिर भी तुम दूसरा चाहोगे, फिर क्यों चाहेंगे? नहीं चाहते हो तो इस चैतन्य के पास सारे प्रश्नों के समाधान है। इसलिए हम इसी की वार्ता करते हैं, और यदि किसी दूसरे की बात करोगे तो उसका अर्थ यह होगा कि तुम्हें उसके भी अधीन होना पड़ेगा और मुक्ति बहुत दूर चली जाएगी, क्योंकि मुक्ति तो केवल अकेले के आश्रित रहती है, उसको कोई दूसरा नहीं चाहिए, उसको इतना गौरव है कि मैं अपने अवलंबन पर खड़ी हूं, मुझे किसी की कृतज्ञता नहीं है जीवन में। भगवान मिले थे है वो एक बात, लेकिन फिर भी भगवान ने बताया, इतनी भी है बात, लेकिन भगवान ने मुझे दिया नहीं, पाया मैंने अपने पौरुष, इसलिए वो गौरवान्वित रहता है। ये बात भीतर से मधुर लगे, सबसे पहली शर्त तो यह है, इन सारे शिविरों का एकमात्र उद्देश्य हो तो यह हो। हम बातें तो भले ही तरह तरह की करते हैं, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु ये चैतन्य हो, सारी वार्ताएं इसके आसपास घूमे, सब कुछ भगवान तीर्थंकर की रीति है ये, तो बीच में ज्ञायक को रखते हैं शुद्ध चैतन्य को, और उसके बाद और दुनिया के पुद्गल धर्म अधर्म की बात, पर धर्म अधर्म की बात सचमुच भगवान करते नहीं, लेकिन करना इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्हें ये बताना है कि जिनको तुम अपना परिवार मानते रहे, जिनको तुम अपनी सत्ता मानते रहे, वे तुम्हारे नहीं, ये कहना था, इसलिए उनका नाम लेना पड़ा, क्योंकि तुमने तो माना था ना नाम लेकर उनको, अपना माना था, इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिनकी बात तुम करते हो उनमें से एक भी तुम्हारा साथी नहीं, कभी नहीं होगा, इनका विश्वास बिल्कुल मत करना, द्वेष मत करना, पर इनके भरोसे मत रहना, क्योंकि तुम स्वावलंबी तत्व हो। यह तो बताओ कि तुमको किसने बनाया, ये पहला प्रश्न, बनाया तो किसी ने नहीं, जब किसी ने नहीं बनाया तो फिर और कौन सी चीज है तुम्हारी कि जिसको कोई बनाएगा,
इतने स्वावलंबन का अर्थ उसमें ऐसा है कि थोड़ा परावलंबन हो। मैंने भारत की आजादी का अर्थ ये कि ब्रिटेन तो चला गया लेकिन अभी थोड़ा उसका हाथ है, हम उसे पूछ पूछ कर काम करते हैं। क्या ऐसा है? उसे पूछ पूछ कर हम अपना शासन चलाते हैं, उसको कहते हैं आजादी। आजादी मैंने आजादी जिसमें हम भगवान को भी याद नहीं करते, वहां भगवान भगवान को याद करते हैं, तो इससे कौन भोगेगा? जिस समय भगवान भगवान का स्मरण करने लग जाए तो आनंद कौन भोगेगा? और उस आनंद में व्यवधान आया तो उसका नाम तो दुख है। तो भगवान में और हमारे भीतर कोई फर्क नहीं रहेगा, वो भी दुखी हो जाएंगे। तो उनको उससे अवकाश ही नहीं, कहते हमको कोई बात करने की फुर्सत नहीं, कोई चर्चा हमें नहीं करनी। और सारे ऐसे, सारी बस्ती ऐसी, तो हमको फुर्सत नहीं है, हमको अवकाश नहीं है किसी से बात करने की, चर्चा करने की। ऐसा ही इस लोक जीवन में ऐसा हो सकता है। हमारा प्रश्न ये रहता है कि हम ये सब घर गृहस्थी कपड़े वाले और सब कुछ मैंने खाने पीने वाले व्यवसाय करने वाले, उनको कैसे हो? अब सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि यह जो तुम कहते हो वो तो तुम हो ही नहीं। हम पहली बार में ये सारा सपाट कर देते हैं, तुम हो ही नहीं ये जितनी बातें करते हो। अब कौन सा प्रश्न बाकी रहा कि साहब हम इतना करते हैं या रहते हैं और ये सब है, पर ये सब झूठ है बिल्कुल, ये तुम हो ही नहीं, कतई नहीं हो। तब फिर हम क्या हैं? ये ज्योत नहीं हो तुम, बस उससे जो बचा है वो तुम हो। अब सोच लो, इस तरह नास्ति से भी अस्थि का की श्रद्धा कराई जाती है, क्योंकि जिसको सीधी अस्थि की श्रद्धा नहीं होती, सीधा जो शुद्ध चैतन्य को नहीं जानता, तो उसको ये कहा जाता है कि जो तुझे दिखाई दिए और जिनके साथ तूने अपना प्रगाढ़ ममत्व जोड़ा एकदम, उसी को जिसने तूने अपनी सत्ता और चैतन्य माना, इनमें से तू बिल्कुल नहीं। तो एक आइडिया बनता है नहीं, भीतर भीतर आइडिया नहीं बनता। जैसे हम किसी के स्वाद के लिए पूछें कि घी का स्वाद कैसा होता, किसी भी स्वाद के लिए पूछें, कोई उसी की नहीं है बात। हम पूछें आम का स्वाद कैसा हो, अब बताओ कोई उपमा बताओ, कोई कह सकता है? बोलो बोलो, आम तो सबने खाए हैं, बताओ आम का स्वाद कैसा होता? शक्कर जैसा? नहीं नहीं, शक्कर जैसा तो नहीं। तो फिर मौसमी जैसा? नहीं, मौसमी जैसा भी नहीं। तो केले जैसा? केले जैसा भी नहीं। तो फिर कैसा होता है? कि जैसा इनका है वैसा नहीं होता। तो एक बात बनती है ना हमारे भीतर कि ये जितने भी हैं इनका जो स्वाद है वैसा स्वाद मेरा नहीं, वो मैं, वो चैतन्य का स्वाद। तो उसे चैतन्य का स्वाद समझ में नहीं आता कि जो सारे स्पर्श गंध वर्ण हैं, जितना कुछ है इनका, जितना कुछ स्वाद है, वो स्वाद तेरे जानने में आता, भोगने में नहीं आता, जानने में आता। ऐसा भी कहा जाता है केवल, उस भी बाद में करेंगे चर्चा, कहने की है बात। लेकिन जानने में आता है, लेकिन ये जितना कुछ है, ये जिसको तू कहता है कि इनका रसा स्वादन मैंने सदा से किया, ऐसा स्वाद उस चैतन्य का नहीं, इससे विलक्षण स्वाद है। हम जो रोटी खाते हैं और देव जो अमृत पीते हैं, एक ही स्वाद है दोनों का, अमृत का और रोटी का। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसा है अमृत का स्वाद? कैसा है कि बस जो उसे पीता है वही जाने। एक बार कम से कम ये तो विश्वास कर लो कि ये जितने कुछ हैं और जिनका रसा स्वादन मैंने किया है, ऐसा मैं कहता हूं,
लेकिन जो चैतन्य का रस है वो इन सब से बिल्कुल भिन्न प्रकार का अमृत है। एक वो अमृत तो मरने वाला है देवों का, तो उसको तो अमृत कहते हैं, उसको तो मौत है। लेकिन चैतन्य का जो अमृत है उसको मौत नहीं है, मृत्यु नहीं आती, वरना चेतन भूखा मरने लग जाए। अगर उसको मौत आ जाए, वो बीत जाए, तो फिर भगवान से भी क्या कहेंगे, अब क्या खाएंगे, कहते हैं वो तो बीत गया। लेकिन वह असीम है, अपार है, अपरिमित है, अपरिमित है, अपरिमित अक्षय वैभव कोश। कितना वैभव चाहते हो बोलो, कितना चाहते हो? सही, आत्मा में अनंत अनंत गुणों की बात करते हैं, क्या है इसे अनंत गुणों से क्या मतलब है? तो अच्छा बताओ कितने हो, तुमसे ही पूछते कितने हो, 100 हो? नहीं, 100 तो जरा कम पड़ेंगे, तो भी कितने हो? कि 1000 हो? तो सब 1000 भी बीत जाते हैं, तुम्हें कितने हो? कि इतने हो कि कभी बीते नहीं, तो वही तो हम कहते हैं, इसी का नाम तो अनंत है, और क्या है? ऐसी अनंत विभूति, ऐसा अनंत वैभव इस वस्तु के भीतर है। जब हम प्रगट देखते हैं कि एक एक की दुनिया की, एक एक पुद्गल का परमाणु वो अनंत वैभव को अपने भीतर अपनी छाती में समेटे बैठा है, तो क्या चैतन्य ही ऐसा रीता है कि उसके पास कुछ ना हो? क्या कुदरत इतनी पक्षपाती हो सकती है? इतना पक्षपात कुदरत में हो सकता है? किसी में हो सकता है, मनुष्य में, कुदरत में तो ये पक्षपात नहीं हो सकता। वहां तो सभी के पास, चाहे वो धर्म हो अथवा अधर्म, आकाश का एक आकाश हो अथवा काल का एक अणु अथवा पुद्गल का परमाणु, सभी अनंत वैभव संपन्न है। तो कुदरत के इस न्याय से ही हम ये निश्चय कर लें कि आत्मा सचमुच सचमुच इतना वैभव आत्मा के पास है कि वो कभी बीतने वाला नहीं। अगर लोक में ऐसा हो तो हम भीतर ही भीतर, हमारे भीतर ही भीतर कैसी रस धारा चलती हर समय प्रति समय, कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनी, ये तो घोषित हो चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा धनी कौन, कहते हैं वो मैं घोषित हुआ। अब देखो उसके कलेजे को फाड़ कर, फोटो लो उसका। और ये भगवान सिद्ध परमात्मा कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े धनी तुम्हारे लिए हम नहीं, पर दुनिया के सबसे बड़े धनी तुम हो, ये हम घोषणा करते। इसका हमको विश्वास नहीं होता। दुनिया के गलीच लोगों का, ऐरे गहरे लोगों का, फुटपाथ के लोगों का विश्वास करने वालों, उनको भगवान सिद्ध कहते हैं, वे विश्वसनीय नहीं है, हमने तो चक्कर देखा है, इसलिए हम तुमको कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े निधान, अनंत निधान तो तुम्हारे पास हैं। एक बार अपने ज्ञान की चोंच उनमें भर लो, ये ज्ञान इतना तीखा है, शुद्ध ज्ञान, वो केवल ज्ञान जैसा होता है, हंस नहीं होता, ये जो पानी पानी छोड़ देता है और दूध दूध पी लेता है, कैसे करता होगा न्यारा, और खाली चोंच से, कोई पैर वैर नहीं लगाता, पंख नहीं लगाता, ये कैसे कर लेता होगा कि मिले हुए पानी में केवल दूध दूध पी लेता है। और ये ज्ञान का ढेर आत्मा ये नहीं कर सकता। अरे इसके पास तो सुख ही सुख है, दुख तो केवल कल्पना है, दुख है नहीं वास्तव में, दुख काल्पनिक है, सुख वास्तविक है, सुख सत्ता स्वरूप है, दुख मन की कल्पना है, और मन की कल्पना से पैदा हुआ, कल्पना से तो बहुत काम हो जाता है। कल्पना में अगर किसी जीव को ये लग जाए कि मैं तो पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, तो वो तो हो ही जाएगा, और उसमें होने वाला जो दुख है वो भी होगा ही होगा,
सब होगा, लेकिन बात कहां से पैदा हुई, मैंने किसका नाश करना, उस दुख का नाश करना। दुख का नाश मत करो, केवल उस कल्पना का नाश करो, दिमाग ठीक हो जाए। कल्पना का नाश करना, आत्मा ने जो कुछ भी किया हो अपनी पर्याय में, बहुत अनर्थ किए हों, वो सारे अनर्थ अपने प्रति किए गए। अनंत भरे हुए निधान कि जिनको पाकर वह कभी किसी की ओर झांकता नहीं, लेकिन आज वो इतना भिकमंगा रहा कि वो तो दुनिया की ओर झांकता रहा, लेकिन उसकी झोली में एक कण किसी ने नहीं डाला। ये दुनिया की रीत, झोली हमेशा खाली रही, क्योंकि दुनिया जानती है कि हम ये अपराध नहीं कर सकते। परमात्मा को भीख रखने वाला, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है। थोड़ी देर के लिए पागल हो गया तो क्या है, मिट जाएगा पागलपन। जिस समय इसे अपना परमात्मत्व नजर आ जाएगा, इसका पागलपन समाप्त हो जाएगा। इसलिए पागलपन की चर्चा मत करो, परमात्मा की चर्चा करो। तो पागलपन आता ही नहीं, आता है तो समाप्त हो जाता है। ऐसी रीति, ये मानसिक इलाज की रीति है। मानसिक इलाज में दवाइयां तो केवल संतोष के लिए दी जाती है, लेकिन उसके पागलपन को दूर करने के लिए, यदि उसे पागल ही पागल कहा जाए तो उसका पागलपन मिटेगा ही नहीं। ये मेंटल इलाज का तरीका है। हमारे यहां तो आए थे एक बार कोटा में, ये मानसिक रोग का इलाज करने वाले डॉक्टर नागर, वो उज्जैन से आए थे। हमने महावीर जयंती पर उनको बुलाया, उनके साथ एक पागल विद्वान थे, पागल विद्वान, बहुत पढ़े लिखे लेकिन थे पागल। अब वो कहते हैं उनको डॉक्टर नागर कि आज आपका भी भाषण है इस महावीर जयंती। मेरा भाषण, मैं तो पागल हूं, मेरा भाषण कैसे हो सकता है। तब डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको पागल कौन कहता है, आपको पागल कहने वाला पागल है, आप पागल नहीं हो। और फिर उनका भाषण कराया गया। तो दिमाग को ठीक होने में क्या लगता है कि तुम पागलपन की चर्चा करोगे तो वो पागल ही रहने वाला। अरे दुखी दुख और अज्ञानी अज्ञान की चर्चा, इसका नाम शिविर है, इसको शिविर कहते हैं। ये मत भूल जाना इस नए से ऐसा और इस नए से ऐसा। अरे एक बार इन नयों को कुएं में डाल दो, एक नए याद रखो, बस वो याद रखने लायक। हम दरिद्री नहीं है सदा के, और कभी दरिद्री नहीं होंगे, ये याद रखो। इसी की हो चर्चा, पुनरावृत्तियों से नहीं घबराना। पुनरावृत्ति से जो हमारे अत्यंत गरज का और मतलब का विषय होता है, उसमें हम घबराते नहीं, बल्कि हमें आनंद का उद्रेक होता है, उसमें आनंद होता है। जगत में नहीं आवृत्तियां होती। रोज क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोज रोटी, रोज ही रोटी, यहां रोज ही रोटी। तुम तो कहते हो पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तो पुनरावृत्ति उसमें नहीं होना चाहिए सिद्धों की चर्चा करने में, पुनरावृत्ति आत्मा की चर्चा करने में नहीं होना चाहिए। फिर रोज रोटी क्यों खाते हो, और कौन सी रोटी, तो वही कल वाली रोटी, और कौन सी रोटी होती, वही आटा। अभी इसमें घबराते नहीं हो क्या, तो घबराएंगे अति तृप्ति होती है, और अति तृप्ति और आनंद होता है। तो लोग के जितने भी गरज के काम है हमारे जीवन से संबंधित, उनमें कभी भी हम इस पुनरावृत्ति की, बार बार सुनने की, बार बार कहने की जो जो घटनाएं होती हैं, अवसर आते हैं, तो उनमें हमें आनंद होता है, आनंद होता है। कोई गुण हो हमारे भीतर,
तो उसकी प्रशंसा सुनते सुनते हम थक जाते हैं, थकते हैं क्या? कभी नहीं सुनते, लोग चर्चा करते ही रहे और हम चुपचाप उसका आनंद पीते ही रहे। कोई व्यवसाय करता है किसी एक वस्तु का, एक वस्तु का। अब कोई भी जो आता है लेने, ग्राहक जो आता है वो क्या मांगता है? मान लीजिए एक ही दुकान है आपके पास टेरिकोट की, अब वो आता है तो मुझे टेरिकोट दे, हाँ ले लो ले जाओ, अपने पास एक ही है टेरिकोट, एक ही कंपनी का, एक ही ऐसा ले जाओ। शाम तक 1000 आदमी आए, सबने कहा टेरिकोट दो, और इसने भी कहा हाँ टेरिकोट लो, थके नहीं? ये बार बार ये बात आई, एक ही बात, जितने भी आते हैं ये कमबख्त टेरिकोट ही टेरिकोट करते आते हैं, ऐसा एक भी नहीं बोला आज तक। अरे पर और क्या करेंगे वो, और तेरे को क्या चाहिए, तू अपनी तो सोच कि हाँ लोग टेरिकोट ही करते आवे, पॉलिस्टर भी नहीं मांगे, तू स्वयं ये चाहता है कि नहीं? क्योंकि उसी में तो तुझे निहाल होना है, तो कहाँ हम आगा जाते हैं उस बात। अरे चैतन्य तो सर्वोत्कृष्ट तत्व है विश्व का, है ही नहीं दूसरा, है ही नहीं, और मेरा भगवान का नहीं, तो भगवान का तो भगवान के पास रहेगा, वो मुझे देकर कहाँ खाते हैं भगवान। इसलिए मेरा चैतन्य सर्वोत्कृष्ट है, जब तक यह बात विश्वास में और ज्ञान में नहीं आती तब तक नजर कहीं गए बिना नहीं रहे, और उसी का नाम भीख मांगना, क्योंकि अपने से अधिक किसी को मानेगा तो उधर नजर जाएगी ही जाएगी। इसलिए अधिकतम मैं हूं, ऐसी चैतन्य की जो निष्ठा है वही सचमुच क्या कहें मोक्ष प्रदायिनी क्या है, वो तो मुक्ति है सब, यही मुक्ति है धरती पर। मैं क्या उस सफेद पाषाण की क्या बात करते, वो सफेद पाषाण है सिद्ध शिला, क्या स्फटिक शिला, वहां सुख मिलता है उसमें स्फटिक की शिला में। तो हम तो मन से भी चाहते हैं, ये चाहते हैं वहां चले अपन, तो वहां रहने की जगह बढ़िया है, इसमें थोड़ा ही है पत्थर में, वो तो एक इंद्रिय जीव है, पर वहां बसने वालों की जो बस्ती है वह बस्ती आनंद बस्ती है, उसका नाम ही आनंद बस्ती है। सोचें तो सही हम कैसे रहते होंगे उस बस्ती के वे लोग जिनको सिद्ध परमात्मा कहते हैं। धनिकों की जैसे बस्तियां हुआ करती हैं जहां गरीबों की आवाज भी सुनाई नहीं देती, ऐसी आनंदमय बस्ती के वासी वास्तव में हम लोग हैं, जो इस शिविर में तत्वज्ञान की चर्चा सुनते हैं और इसमें केवल एक ही चर्चा करने लायक, दरिद्रता की बात आना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमको कसम दिला गए इस बात, भविष्य में मत करना इसी बात, तू है नहीं ऐसा, हम सच कहते हैं, ऐसी बातें मत करना, वो तेरा माथा खराब हो गया था उस बात को भूल जा, अब ठीक हो रहा है, बिल्कुल सही हो गया, इसलिए अब ये बहकी बातें मत करना, तेरा काल निकट है ये भी नहीं कहते हम, तेरा तो सब कुछ वर्तमान में ही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सिद्धत्व जैसा, हम आगे की आशाओं में तुझे नहीं झुलाना चाहते, तो वर्तमान में ही है, तेरे पास श्रुतज्ञान जैसा ज्ञान, तीन लोक और तीन काल को जानने वाला केवल ज्ञान की तरह, तो कहां दिक्कत है, अब क्या चाहता है तू, और तीन लोक तीन काल से तुझे मतलब भी क्या है, दूसरे के घर से क्या मतलब है, तीन लोक तीन काल में दूसरे का घर, उससे क्या है तुझे। लेकिन दूसरे सिद्ध परमात्माओं के यहाँ जो पकवान बनते हैं वही पकवान तेरे यहाँ बनते हैं, क्या करेगा उनकी गंध को भी, तू तो स्वयं बना स्वयं खा,
एक योगी असन बनावे, आप बनावे, आप ही खावे, खावत ना ही अघावे, उसका नाम सिद्ध परमात्मा है। उन सिद्ध परमात्माओं को हमारा आनंद।